अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय चैनल फैशनेबल सूइंग। आज मैं आपको बताऊंगी आसन की कटिंग आसान है। आपने बहुत सी और वीडियोस भी देखी होंगी। आज मैं बता दूँ, मेरे पास आसन की चौड़ाई इतनी ही दी हुई है, इससे ज़्यादा नहीं दी हुई है। मैं आपको बताऊंगी कि हम कम में भी कैसे इसको पूरा कर सकते हैं। और मेरे पास आस्तीन की लेंथ भी मुकम्मल जो उन्होंने दिया हुआ था प्रिंट के साथ, कमीज़ के साथ जितना उन्होंने दिया हुआ था, मैं वही है मेरे पास। आस्तीन सही है, तकरीबन आस्तीन मेरे पास है 17 इंच, जो परफेक्ट रहेगा, कोई इसमें मसला नहीं है। मैं 17 इंच की आस्तीन पे आपको कटिंग बता रही हूँ। और आस्तीन की चौड़ाई है मेरे पास 10 इंच। आपको ये लेना पड़ेगा, फिटिंग के हिसाब से होता है। मेरी कमीज़ की फ़िटिंग के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे इसकी चाहिए होगा 9 इंच, और मेरे पास 2 इंच एक्स्ट्रा है, जो आमहुल के हिसाब से अच्छे से बैठ जाएगा। और यहाँ पे आमहुल की कटिंग की गोलाई के लिए 3.5 इंच पे निशान लगाते हैं। ये 3.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, देखें दोबारा मैं आपको दिखा दूँ, और ऊपर भी, ताकि हम सीधी लाइन तो यहाँ पर खींच सकें, ऊपर भी मैं निशान लगा रही हूँ। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे इस तरह। अब ऊपर से हमें शेप देने के लिए उधर हमें बीच हम इसका देना है। मैं तकरीबन 3.5 इंच पर ही निशान लगा रही हूँ, यहाँ तक सीधा ही रहना है इसको। देखिए 3.5 मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 3.5 इंच तक ही रहेगा। इसके बाद हमने नीचे से गोलाई का निशान ऊपर के इस निशान से मिला देना है, और ऊपर ये सीधा ही इसको रहना है। ये देखिए, इसको हमने सीधा ही रखना है। ये निशान लगा दिया मैंने, आपकी मर्जी है। कुछ लोग 2 इंच के ऊपर सीधा निशान लगाते हैं, लेकिन 3.5 हद तक ही रहता है कि आप निशान लगाएं, यहाँ तक ही गोलाई जानी चाहिए, इसके आगे नहीं, ना ऐसे नीचे नहीं, फिर सही शेप नहीं बैठती है। और आस्तीन की गोलाई में 5 रखूँगी, 5 निशान, और इसमें सिलाई के हिसाब से एक्स्ट्रा मार्जिन में 2.5 इंच पर, 1.5 इंच पर रख रही हूँ, 1.5 इंच पर। अब इन दोनों को मिला देंगे, सीधी लाइन खींच लेंगे ताकि कटिंग में हमें आसानी हो। अब इनकी कटिंग करते हैं। इस तरह हमने इसको काट लिया है। अब हमें यहाँ से भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे। अब हमें फ्रंट की कटिंग करनी है। फ्रंट में बैक फ्रंट में फ़र्क होता है। इस तरह हमने अब आस्तीनों को खोल लेना है, एक हिस्से पे कटिंग करेंगे, एक हिस्सा अलहदा कर लेंगे, उसको आगे इस तरह निकाल देंगे। अब हम यहाँ पे फ्रंट की कटिंग करेंगे यहाँ से जी। अब यहाँ पर भी इसकी कटिंग के तरीका ये है कि यहाँ पे उस निशान जो हमने पहले लगाया था उससे लेकर ये 1 इंच, सॉरी 1 इंच नहीं, 0.5 इंच का गैप देना है। 0.5 इंच पे निशान लगाना है, और लगाना भी अब इन दोनों के बीच पे है। अब इन दोनों के बीच में हमें, हाँ यस, अब यहाँ पे हमें 0.5 इंच का निशान लगा के यहाँ पे थोड़ी सी हमें कटिंग करनी पड़ेगी। ऊपर हमें कोई टच नहीं करना, ऊपर कोई कटिंग नहीं करना, इस हिस्से पे 0.5 इंच की कटिंग कर देते हैं। प्लीज़ मेरा चैनल न्यू है, आपको अगर मेरे वीडियो आसान लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और मुझे कमेंट से अप्रिशिएट कीजिए, मैं और अच्छी वीडियोस बनाऊं। आप मेरी मेहनत में मेरा साथ दीजिएगा। देखिए इस तरह मैंने कटिंग कर ली है, ये देखिए। अब यहाँ पे सिलाई करके हमने सीना है, उसको शेप देना है, इसको मुकम्मल करेंगे।
मैंने सिर्फ आज इसमें कटिंग की वीडियो बनाई है, यकीनन आपको अच्छी लगी। प्लीज़ इस मेरी वीडियो को ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।